में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा भाजपा पर हमला बोलते हुए बोला, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मतदाता टास्क फोर्स और मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार को फीता काटने और पत्थर लगाने का इतना शौक है कि काम पूरा हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेट्रो पूरी बन नहीं पाई तो अखिलेश जी ने फीता काट दिया और पूरी हुई तो योगी जी ने फीता काट दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कश्मीर से ये पत्थरबाजी यहाँ तक कैसे चली आई। उन्होंने कहा कि जब से प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी बनी है तब से कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलरामपुर में राप्ती नहर परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि क्या 1980 से लेकर 2021 तक भाजपा की सरकार नहीं थी, उन्होंने कितना काम किया उसका पहले हिसाब दें। इस परियोजना की देरी में कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं योगी मोदी की बात नहीं करता जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, कोरोना काल में दवा और वैक्सीन नहीं दे पाए, कब्रिस्तान और शमशान में लाशें सड़ती रही। उन्नाव का विधायक पहले रेप करता है इसके बाद उसका एक्सीडेंट करवा देता है, हाथरस में एक दलित बेटी की बलात्कार के बाद हत्या कर दी, उसके बाद योगी जी द्वारा आधी रात को पेट्रोल डालकर उसकी लाश उसके परिवार को नहीं दी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, बन नहीं पाया, उद्घाटन हो गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, 21 तारीख को उद्घाटन होने नहीं। परियोजना की बात कर रहा हूँ कि आप इंदिरा जी की योजना फीता काटने का आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। फीता काटने का इतना शौक है, पत्थर लगाने का इतना शौक है कि काम पूरा हो या ना पूरा हो, अब मेट्रो बनी थी, मेट्रो उठा करके देख लें, मेरे सिग्नेचर से प्रपोजल शुरू हुआ था, MOU मेरे सिग्नेचर से, मैं आवास मंत्री था, शुरुआत वहाँ से हुई थी, कहीं नाम नहीं। मेट्रो पूरी बन नहीं पाई, अखिलेश जी ने फीता काट दिया, जब बनी तो फिर योगी जी ने फीता काट दिया। एक काम के दो फीते कट रहे हैं, एक काम के दो पत्थर लग रहे हैं, तो बाहर ये पत्थरबाजी कश्मीर से चलते चलते यहाँ कहाँ से आ गए। अब आप सही बोले, लड़के में नहीं कहता, योगी जी की बात की थी। मैं योगी की बात ही नहीं करता, मैं मोदी की बात ही नहीं करता, उनकी क्या बात करूँ, जिन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने कोरोना में बिना तैयारी के देश को झोंक दिया और लाखों लाशें गंगा यमुना में और दूसरी नदियों में तैरती रही, उनसे बात करूँ, जिन्होंने कोरोना में दवा नहीं दे पाए, वैक्सीन नहीं दे पाए और शमशान घाट में कब्रिस्तानों में लाशें सड़ती रहीं, चार चार लाशें एक एक साथ जला दी गई, वो आपको नहीं दिखाई दे, तो ऐसे लोगों से बात क्या करो, संवेदनहीन लोग। तुम्हारा विधायक उन्नाव का एक लड़की के साथ रेप करता है, इसके बाद उसके एक्सीडेंट करवा देता है, आज सजा याफ्ता है, जेल में सजा भोग रहा है, क्या कहोगे मोदी जी, योगी जी, आपके आदमी ने हाथरस में एक दलित बेटी के साथ इज्जत लूटी, इसके बाद उसकी हत्या कर दी और आधी रात को तुमने, योगी जी तुमने आधी रात को पेट्रोल डाल करके उसके परिवार को लाश नहीं दी, उस नाबालिग बेटी की लाश तुमने जला दी, क्या तुम बात करोगे योगी जी, मोदी जी, तो मैं उनकी बात क्या करूँ, मुझे क्षमा करें। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।